रिसेप्ट है आप देखो सबका है 26-3-86 ये रिसेप्ट का जो डेट है वो 26-3-86 यानी कि 26-3-86 है। हमारे पास 76 का भी रसीद है, ये करंट है, ये करंट है जनाब, 2023 तक बाकी है, ये करंट है। नहीं मुझे बताइए, आप थोड़ा सा नीचे रखिए, कितनी फैमिलियां इस पर पलती थी और कितने, अगर हम 100 से ऊपर 100+ फैमिलियां इस पे पलती है सर। आप देखो ना, हमारा बैंक का कर्जा है, व्यापारियों का कर्जा है, दुनिया भर का बोझ हमारे ऊपर है। ऑलरेडी हम बोझ तले दबे हुए है, जब से फ्लड आया 2014 से तब से हम बोझ तले दबे हुए है। हमारी फैमिली या फाका कशी पे मजबूर हो जाएंगे ना। अच्छा दूसरी बात यह है, अगर इसकी, अगर ये जो कह रहा है कि ये उसकी है, इसका तो वाल लगा हुआ है, अब अंदर से 1957 का वाल लगा हुआ है इसके अंदर से, आप अंदर जाइए वहां देखिए जनाब, 1957 का वाल लगा हुआ है जो है। बिल्कुल यहाँ पर ये दुकानदार हजरत जो है, बताया जाता है कि करीब करीब 300 फैमिलीज इसके साथ जुड़ी है और करीब करीब यहाँ पर 500 मुलाजिम जो है यहाँ पर पल रहे हैं, और यहाँ पर बताया जाता है कि हम कहाँ जाएंगे, हमारी फैमिलीज क्या खाएगी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वो लोग हैं जो हैंड टू माउथ है, सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं, लेकिन यहाँ रिसेप्ट है। आप देखो सबका है 26-3-86 ये रिसेप्ट का जो डेट है वो 26-3-86 यानी कि 26-3-86 है। हमारे पास 76 का भी रसीद है, ये करंट है, ये करंट है जनाब, 2023 तक बाकी है, ये करंट है। नहीं मुझे बताइए, आप थोड़ा सा नीचे रखिए, कितनी फैमिलियां इस पर पलती थी और कितने, अगर हम 100 से ऊपर 100+ फैमिलियां इस पे पलती है सर। आप देखो ना, हमारा बैंक का कर्जा है, व्यापारियों का कर्जा है, दुनिया भर का बोझ हमारे ऊपर है, ऑलरेडी हम बोझ तले दबे हुए है, जब से फ्लड आया 2014 से तब से हम बोझ तले दबे हुए है। हमारी फैमिली या फाका कशी पे मजबूर हो जाएंगे ना। अच्छा दूसरी बात यह है, अगर इसकी, अगर ये जो कह रहा है कि ये उसकी है, इसका तो वाल लगा हुआ है, अब अंदर से 1957 का वाल लगा हुआ है इसके अंदर से, आप अंदर जाइए वहां देखिए जनाब, 1957 का वाल लगा हुआ है। यहां पर 20 से 25 दुकानें जो बताई जाती है कि यहाँ पर अभी सील की गई है, जिसमें यहाँ पर आफ्ताब मार्केट इस वक्त जो है, बिल्कुल यहाँ पर ये दुकानदार हजरत जो है, बताया जाता है कि करीब करीब 300 फैमिलीज इसके साथ जुड़ी है और करीब करीब यहाँ पर 500 मुलाजिम जो है यहाँ पर पल रहे हैं, और यहाँ पर बताया जाता है कि हम कहाँ जाएंगे, हमारी फैमिलीज क्या खाएगी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वो लोग हैं जो हैंड टू माउथ है, सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्पेयर पार्ट, सॉरी ये मोबाइल पार्ट जो है वो बेचते हैं, ज्यादातर वही दुकानें यहां पर है, और यहां पर ये चाहते हैं कि इसमें इंटरवेंशन हो, इंटरवेंशन ये हो कि यहां पर जिस तरह से एलजी ने कहा था कि छोटे छोटे जो दुकानदार या छोटे छोटे जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी और बिग शार्क जो है वो उसमें आ जाएंगे, लेकिन यहां पर अभी जिस तरह से ये दुकानदार हजरत जो है कह रहे हैं कि हम छोटे छोटे तबके के दुकानदार हैं, और आज हमसे भी ये जो है कार्रवाई अंजाम दी गई, जिसमें करीब करीब 20-25 दुकानें यहां पर अभी सील की गई है। यह आप लाइव विजुअल्स यहां पर आफ्ताब मार्केट श्रीनगर से देख रहे हैं, जो लाल चौक में है, और यहां पर कल भी एक बड़ी ड्राइव चलाई गई थी जिसमें ये डिमोलिशन ड्राइव की गई थी, जिसमें कहीं एक कनाल की लैंड जो है वो भी रिट्रीव की गई थी, लेकिन आज यहां पर हार्ट ऑफ द सिटी जो आफ्ताब मार्केट है, यहां पर 25 दुकानों को आज सील किया गया, और ये बताया जाता है कि ये माइग्रेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन जिस तरह से अभी हमने कि दो डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एसएमसी डिपार्टमेंट में बैठ के बात करें, तो इसलिए ये जब सर कितनी फैमिलियां पलती है अभी यहाँ पे 24 तो शॉप्स हैं, हर किसी के पास कम से कम 3 तो सेल्समैन है। अच्छा आप ये देखिए, बड़ी दुकानें नहीं है तो लाल चौक में, आफ्ताब मार्केट में, लेकिन सब जो है या तो मैकेनिक है, छोटे छोटे मोबाइल मैकेनिक्स है वगैरह है, कोई 5,000-10,000 रुपए महीने का कमाता है, 10 यही हमारी इनकम,
और पूरे महीने की इनकम होती है। तो अगर आप 24 फैमिलीज 24 शॉप्स मल्टीप्लाइड बाई 3 कितने हुए, तो वो ऑलमोस्ट 75 होते हैं। उसके बाद उनकी मल्टीपल उनकी फैमिली सारी इस पे पलती है, तो आप देखिए कितना बड़ा नुकसान है। मेन लाल चौक में लोगों के पेट पे लात मारना, और वो भी वो जो 50 साल से वहां दुकानदारी कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों के बैंक के लोन्स हैं, बहुत सारे लोग उसके जो व्यापारी बाहर हैं दिल्ली वगैरह में हैं, उनसे माल लेते हैं, उनके कर्जे हैं। अच्छा, किन्होंने किसी को डेब्ट में दिया है, क्रेडिट दिया है, माल दिया है, उनके हैं। तो बहुत सारी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। ये क्या है कि दो चार दिन बिल्कुल इजी है सर। चाहने से पहले आप बताइए कि नोटिस आपको क्या मिली थी इसके लिए? 25 जनवरी शाम को एक नोटिस ही मिल रही है, यू हैव टू बी यू विल बी इविक्टेड इन 2 डेज बिफोर 1 डे। यस, उसमें 26 जनवरी आ रहा है, उसके बाद आप देखिए बर्फ है वगैरह है, यानी कोई काम हमको और नहीं किया दिया जा रहा है, बस यू हैव बी इविक्टेड इन 2 डेज। आज आ रहे हैं और बंद कर रहे हैं। अब आपका इसके बाद क्या स्टेप होगा? देखिए, इसके बाद हमारा स्टेप तो है, हम तो हायर अथॉरिटीज से जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनको इन्वॉल्व इसमें करना है। ड्यूकॉम साहब सारे हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हों और ये देखें कि ये स्टेट पॉलिसी के खिलाफ ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ से चीफ सेक्रेटरी साहब की क्लियर ये इंस्ट्रक्शंस हैं, भाई जितना भी लैंड स्टेट का है वो लोगों से वापस रिट्रीव करो। यहाँ से ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है कि जो ऑलरेडी स्टेट के पास है, इतना सा जे एंड के स्टेट के पास, ये टूरिज्म के पास, ये SMTC के पास, इन तीनों से लेके वापस ले जाओ और एक कॉमन आदमी, एक नॉर्मल आदमी को दे दो आप, जो कहीं से आ रहा है, जो 50 साल में कहीं नहीं था। जनाब LG की तरफ से एक स्टेटमेंट कुछ दिनों पहले आया था जिसमें बताया गया था कि बिग शार्क्स को यहाँ पर पकड़ा जाएगा, लेकिन आज हमने देखा कि हैंड टू माउथ जो दुकानदार है यहाँ पर उनको आज नहीं बख्शा गया, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, गवर्नर साहब ने उसके नीचे लिखा है स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट्स, ये स्टेट के ही पास है, हम किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नहीं दे रहे, ये स्टेट के पास है ये, और स्टेट अपना ही जमीन उठा के। अब देखिए, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए हम रेवेन्यू देते हैं साल का SMC को, नुकसान किसको हुआ, गवर्नमेंट को कि हमको? SMC को नुकसान हो रहा है, रेवेन्यू उनका नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट कह रही नहीं मेरे जेब में से पैसे निकालो, ये प्राइवेट आदमी को दे रो। सो दीज टू पॉलिसीज आर कंट्राडिक्टिंग, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द हेयर प्रॉब्लम, इन कंस्पिरेसी गोइंग ऑन, समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन, इसको सब लुक मैटर करो भाई। मेल लॉ में हाउ विल यू फीड योर फैमिली आफ्टर दिस? कहीं नहीं, हमारा और कोई सोर्स नहीं है सर, हमारा कोई और सोर्स नहीं है, हमारी यही दुकानें हैं। बल्कि मेरी दुकान पे जो काम करने वाले बंदे हैं, कोई 5,000 रुपए लेता है, कोई 6,000 रुपए लेता है, तो उनका भी यही सोर्स है घर का, हमारा कोई सोर्स नहीं है। हमको तो या तो सड़क पे बैठना है, या अल्लाह बचाए किसी और से मदद मांगनी है, हमारा कोई और सोर्स नहीं। ये सारा बंद हो गया, ये सारा कारखाना सबको, हालांकि सबको पता है इतने सालों से, आप किसी बच्चे से पूछो, मशहूर है ये आफ्ताब मार्केट, ये फेमस है 3 नेम से। देखो जो SMC में नाम दर्ज है ना, उसको कहते हैं बादशाह अहाता, लेकिन जो टूरिज्म में उसको कहते हैं इनसाइड बादशाह होटल, और जो हमारे पास यहाँ मशहूर फेमस है वो है आफ्ताब मार्केट, क्योंकि आफ्ताब की प्रेस यहाँ निकलती है। इसलिए अगर आप भी छोटे जवान हैं, आप अपने दादा बदादा से पूछो कि क्या यहाँ जो मार्केट है कब से आफ्ताब मार्केट, अच्छा वो तो हम सालों से जानते हैं। अगर इस वक्त ये दुकान उठा देना, पीछे से एक वॉल निकलेगी जिसपे उस वक्त भी ऐसे वो क्या कहते हैं इनका निकलता था एडवर्टीज, भाई हमारे बच्चे हैं इनको फीड करो, उनका होता ना हेल्थ वालों का, वो यहाँ होती थी। उस वक्त इन्होंने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं उठाई, उस वक्त उन्होंने कोई चैलेंज नहीं उठाया, हालांकि ये रहते थे। लेकिन आज 50 साल बाद क्या बुनियाद बना के आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 1960s में ये ताज बादशाह होटल, 1972 में हम, आज किस बुनियाद पे बंद हो रहा है ये हमें समझ नहीं आ रहा है। 70 साल के बाद ये 70 साल से कहाँ था, लंडा से कहाँ था? तो ये आप लाइव विजुअल्स यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये बता रहे थे दुकानदार हजरात की हमारी लिवलीहुड इसी पर चलती है, और इस लिवलीहुड को आज हमसे स्नैच किया जा रहा है। ये आप लाइव विजुअल्स यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने बताया कि करीब करीब 25 दुकानें जो है अभी सील की जा रही है, आप देख सकते हैं ये लाइव विजुअल्स में, जिसमें यहाँ पर इन्होंने बताया कि हमारे साथ में फैमिली भी है और कहीं एक मुलाजिम भी यहाँ पर रखे जा रहे हैं, जिसमें ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे थे, लेकिन आज वो भी हमसे छीनी जा रहे हैं। ये यहाँ पर एलिज कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारी जो लाइवलीहुड है वो हमसे छीनी जा रही है। आप ये लाइव देख रहे थे आफ्ताब मार्केट श्रीनगर से।